भाई देखो कब खतरनाक गाड़ी है, इस पर बैठते हैं भाई। देखो तो मैंने नाइकी का लोगो भी लगा दिया ऊपर ऊपर आ गया हूँ, तो उसे हॉल में झाड़ लगा दिया जाए, तो साइड लगा देते हैं, तो देखते हैं कौन सा लगाते हैं। तो हे गाइस, दिस इज मी राहुल, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो गाइस चलो, आज आपस में कंटिन्यू ब्लॉग्स हो ही गए हैं। तो गाइस आज शीरो की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, जिससे मुझे जल्दी भी उठना पड़ा था। तो गाइस अभी तो डॉक्टर को दिखा दिया अपन ने, तो काफ़ी ज़्यादा इंजेक्शन लगी, तो अभी शीरो से आराम कर रहा है। तो गाइस चलो, क्योंकि मेरा भी मूड इतना अच्छा है नहीं ब्लॉग शूट करने का, लेकिन अब क्या करें, ब्लॉग तो शूट करना पड़ेगा। तो गाइस चलो ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। क्या हो गया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो गाइस नहीं तो अभी तो सुबह से उठ ही नहीं रहा था, यानी क्या हो गया, क्योंकि मुझे लगता है शायद पापा चले गए, जिसके कारण बीमार हो गया था, क्योंकि इसको पापा की ज़्यादा याद आती है। और गाइस अपना नया ब्लॉग भी आ गया, तो जाके ब्लॉग देख लेना बोला। गाइस सबसे पहले चलते हैं किचन में और रखते हैं चाय, और फिर अपन नहाएंगे, और फिर अपन जाएंगे जो अपना काम है वहाँ करेंगे, वो वाला काम करेंगे। ये भी रेडी, तो चाय पीते हैं। घर का मौसम देखते हैं, तो गाइस आज तो धूप निकली हुई है, मतलब कल भी बारिश नहीं हुई थी, आज भी बारिश नहीं हुई है, और भैया ने गाड़ी धोई दी थी वैसे भी आ जाके सुबह। और गाइस अपन थोड़ी देर बस निकलने वाले, नहाते हैं और फिर पूजा करते हैं, फिर निकलते हैं। गाइस मैंने चाय पी ली है, अब सीधा अपन नहाते हैं और फिर खाना खाते हैं, फिर निकलते हैं बाहर। तो अभी मैं नहा लिया हूं, रेडी भी हो गया हूं, तभी पर चलते हैं सीधा पूजा करने, और फिर अपन जाएंगे सीधा अपनी साइड पे। तो वैसे भी मैं आ गया हूँ पूजा करने, तो पूजा करके आ गया था, क्योंकि अभी शावन शवन चल रहे थे, तो मैं डेली पूजा करता हूँ, क्योंकि पहली बार ब्लॉग शूट किया पूजा का। तो वैसे चलो फटाफट से अंदर चलते हैं, रेडी तो मैं हो ही गया था, अब सीधा जाएंगे अपन अपनी साइड पे। लाइट आ गया हूँ, तो अपन सोचे थोड़ा हॉल की चीज़ें चेंज करा लें, ऊपर आ गया हूँ, तो अपन सोचे हॉल में झाड़ लगा दिया जाए, तो साइड लगा देते हैं, तो देखते हैं कौन सा लगाते हैं अपन। और जो देख रहा हूँ मैं, फिर चूज़ करते हैं कौन सा अच्छा लगेगा। अभी बटन लाइट हाउस से, तो कहीं अभी बटन लाइट हाउस से निकल चुका हूँ, तो ये अपने झाड़ पसंद तो किया, थोड़े दिन में अपने हॉल में भी झाड़ा लग जाएगा। और मैं अभी आ गया हूँ सीधा कंटना वस्त्र लिए रेडबुल। तो गाइस मेरा मुंह में काम हो चुका है, और गाइस आने वाले समय में पता चलेगा कि अपने मुंह में क्या काम चल रहा है और क्या होने वाला है, तो आपको ब्लॉग में मिल ही जाएगा। तो गाइस मैं सीधा आ गया था, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, तो मैं आ गया हूँ सीधा क्रश कॉफी पे, कोल्ड कॉफी विद ब्राउनी और स्प्रिंग रोल, क्योंकि नमन तो खा ही नहीं रहा, मैं ही खा रहा हूँ। तो गाइस मैं क्रश कॉफी सीधा घर आ गया हूँ, तो देखते हैं सीधा की तबीयत ठीक हुई कि नहीं हुई है। अभी सो ही रहा है भाई, थोड़ा स्वस्थ था, क्योंकि आज इसको 3-4 इंजेक्शन लगे, इसलिए तो रेस्ट ही कर रहा है आज तो पूरा दिन ये। तो गाइस चलो तैयार होते हैं, सीधा निकलते हैं जिम के लिए, क्योंकि 7 बज गई ऑलरेडी। था एम्पोलियर का बैग, तो अभी आज वही लेके जा रहा हूँ मैं जिम में। और तो गाइस देखो अभी 7 बज गए, लेकिन अंधेरा नहीं हुआ है। तो गाइस चलो अभी जिम चलते हैं, सीधा जिम में मिलते हैं। निकल गया जिम से बाहर, क्योंकि आज कैफे भी बंद था, तो कुछ मील वील भी ली नहीं अपन ने, सीधा घर पे चल के मील लेंगे। और गाइस मैंने ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं किया, ऐसे नॉर्मली शूट किया है, तो आप क्लिप देख ही लेना। तो गाइस चलो घर पे मिलते हैं सीधा, शावर उसके बाद सीधा मील ली है, तो अब खाना खाते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फिर अपन खेलने वाले GTA 5। मैंने बहुत दिन से GTA 5 खेला भी नहीं है, और आपको एक बार दिखा दूँ क्या तगड़े ग्राफिक्स है। गाइस आप भी लोग बोलोगे कि GTA 5 क्या गेम है, तो चलो फटाफट से खाना भी खाते हैं, फिर सीधा दिखाता हूँ GTA 5 ऑन करते हैं, फिर खेलेंगे सीधा PS 5। तो गाइस मुझे GTA 5 खेला था, लेकिन अभी तक खेल रहा है फीफा खेल रहा है, और जितना इसका गेम बताने का होगा अब तो 90 मिनट तक चलेगा। ये देखो अब कैसे गोल मारता है, तो भाई मुझे तो खेलना ही नहीं आता होता, मेरे को हरा देता है 20-30 गोल से, लेकिन अभी तो 20-0 गोल है, क्योंकि बाकी को तो हरा नहीं पाता ये, अभी देखते कितने देर में गोल मारेगा। इस फाइनली नंबर ने गोल मार दिया ये, तो भाई 0 और कितने मिनट सेकेंड हो गए 74। तो देखते हैं नंबर मैच जीतता कि कौन जीतता, देखो इसका गोल, देखो कैसा गोल है, एक बार देखो ये लेके कटाते हुए, और ये तो भाई ये देखो कैसे गोल देगा, ये स्विंग हुई थी गाइस, बॉल देखो गाइस, वो देखो नंबर लेके जा रहा है बॉल, और ये गोल देखो। तो मैंने अभी नाइकी का लोगो भी लगा दिया ऊपर, तो अभी मैं खेल रहा था GTA 5। तो भाई अपन ने ये परचेज़ किया है गेम, तो अभी अपन खेलते हैं GTA 5, तो ऑन करते हैं, तो ऐसे कुछ ग्राफिक्स आता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ फिलहाल मिशन कौन सा आता है, मिशन करके दिखाता हूँ कैसे मिशन होता है। और इसकी ग्राफिक एक ही एक खतरनाक, बहुत खतरनाक ग्राफिक इसके, आप देखो गेम स्टार्ट हो चुका है, तो अभी सब गाड़ी देंगे, तो आपको एक बार मैप दिखाता हूँ कहाँ जाना है, तो इसका ऐसा कुछ मैप है, तो अभी फिर मिशन करेंगे, तो अपन नेक्स्ट दबा दिया, अब इससे नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो अपन देखते हैं एम वाला मिशन, जी वाला मिशन करते हैं, जी वाला मिशन में चलते हैं, तो अपन जी पे मार्क लगा देते हैं, तब तो गाड़ी लेकर छट से चलेंगे, इसकी गाड़ी छीनते हैं। चलो एक बार ग्राफिक्स देखो, तकड़े ग्राफिक्स है, अपन इसकी गाड़ी देखकर पक जाएंगे। ग्राफिक देखो भी अपन रेस लगाएंगे, चलो एक बार आप देखो गाइस क्या फकरी अपनी गाड़ी, एक बार आप देखो गाड़ी, देखो क्या खतरनाक गाड़ी है, तो इस पर बैठते हैं अपन। गाइस सबके साइन वाइन अलग अलग है,
करना है तो अपने दबा दिया मिशन स्टार्ट रहेगा, तो अपन ऑनलाइन प्लेयर के साथ खेलेंगे मिशन। तो अपन ऑनलाइन गेम ही खेलते हैं, GTA 5 ऑफलाइन नहीं खेलते हैं। हमको दिखाता सारे प्लेयर को बुलाएंगे अपन। ये रहा अपना मिशन, लास्ट प्ले मैक एंड मीट। तो अब ये प्लेयर तो आ चुका है बॉस नाम का, तो इसने होस्ट किया है तो अपन ने इसका रूम ज्वाइन किया है। तो अपन देखते हैं कौन कौन आता है। एक और आ गया है, अभी स्टार्ट होगा टाइम सेकंड सेकंड्स चल रहे हैं, फिर मिशन स्टार्ट होगा। फिर भी आगे भी मिशन स्टार्ट हो गया तो अपने साथ प्लेयर जाएगा, फिर अपन गाड़ी लेते हैं बताओ फिर अपन को कहाँ जाना है। तो बताना है गो टू द सेफ, फिर अपन जाना है, फिर अपने सबको मारना है। काफ़ी ज़्यादा दिखाओ रेड 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 है पूरे, इन लोगों सबको मारना है। मार दिया तब तक अपन सेफ खोलना है, तिजोरी खोलनी मतलब, तभी अपना बंदा तिजोरी खोलेगा, अपन सबको कवर देना है। अपन खोल रहे हैं सेफ, तो भाई लॉक खोल रहे हैं अपन, तो जैसे लॉक खोल जाएगा फिर मिशन हो जाएगा कम्प्लीट। पर खुल गया था जब फार्मूला लेना, अपने फार्मूला ले लिया तो फार्मूला से ले गया, अपन को सीधा भागना है। तो इस बंदे बहुत सारे हैं तो बंदों को मारना, कोई अपने गोली मार रहा है तो इसको पहले मारते हैं। वाला मिशन हो गया पास, तो अभी दूसरा मिशन स्टार्ट हो गया है। अपनी पूरी टीम आ चुकी है, ऑनलाइन प्लेयर सारे। तो गाइस आपने देखा होगा GTA 5 ग्राफिक्स और क्या बढ़िया मिशन आते हैं GTA 5 में। तो गाइस मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है GTA 5 खेलने में। और गाइस मतलब एक से एक मिशन आते हैं, और अपन इसमें मतलब ऑनलाइन लोगों के साथ भी खेल सकते हैं और बातचीत भी कर सकते हैं। और गाइस डिजिटल वेरिएंट की यही खास बात है कि मतलब अपन ऑफलाइन भी खेल सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन खेलने से ये फ़ायदा रहता है कि अपने नए नए दोस्त बन सकते हैं और उनसे बात भी कर सकते हैं। और इनके साथ मिलकर मिशन करने में काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि देखा आपने देखा होगा कि 4-4 प्लेयर का अपन टीम बना लेते हैं और मिशन करते हैं, और सिंगल करने तो वैसे ही बोर हो जाते हैं, और अपन उनसे बात भी करते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है। और गाइस ऐसे ही सारे गन वाले मिशन रहते हैं जिसमें अपनी टीम रहती है, फिर अपन को एक एक करके मिशन करना पड़ता है। अपने सिर्फ GTA 5 खेला तो उसके इतना खतरनाक ग्राफिक्स है गाइस, अभी तो अपन बहुत सारे गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी, और गाइस हाँ कॉल ऑफ ड्यूटी बात तो बताने भूलगा गाइस, कॉल ऑफ ड्यूटी के तो और खतरनाक ग्राफिक्स है, बहुत ही मज़ा आता है वो भी खेलने में। इस पर अगर आप लोग चाहते हो मैं कॉल ऑफ ड्यूटी का ब्लॉग बनाऊँ या और भी गेम्स का ब्लॉग बनाऊँ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और गाइस फीफा भी है, अभी तो अपन WWE भी खेलेंगे, फिर WWE की फाइट भी दिखाऊंगा आपको। सारे गेम परचेज करना पड़ते हैं मतलब बहुत, लेकिन बहुत महंगे महंगे गेम है, मतलब जैसे मेरा जो GTA 5 तो अभी मतलब मेरे को 8-9 हज़ार रुपये का पड़ा। और गाइस इसके बाद मतलब मेंबरशिप अलग लेना पड़ती है उनकी खेलने के लिए, ऑनलाइन खेलने के लिए अलग मेंबरशिप लेना पड़ती है, और उसके बाद इनके कोई पता नहीं अलग फीचर रहते हैं, कोई PlayStation Plus खरीदना पड़ता है। मतलब कम से कम GTA 5 मुझे मतलब 15,000 का GTA 5 टोटल पड़ चुका है। उसके बाद गाइस मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी भी खरीदा था जो मुझे 12,000 रुपये का पड़ा हुआ है। और गाइस अभी तो और गेम है, और फीफा भी खरीदा अपन ने गेम से, जो अपन को खरीदेंगे तो मैं आपको बता ही दूंगा। और गाइस अभी जैसे अपन ने फीफा खरीदा था मतलब उसकी मेंबरशिप 8-9 हज़ार रुपये की है। और गाइस गेम थोड़ा अलग, मतलब गेम भी अलग से खरीदना पड़ता है, पहले गेम खरीदना पड़ता है फिर उसकी मेंबरशिप खरीदना पड़ती है, तो मतलब कम से कम 10-12 हज़ार का गेम पड़ जाता है अपन को एक वाइस। और जैसे ही खेलो मतलब जैसे, और अपन ने टॉम राइडर भी डाउनलोड करा था वो अपन ने पूरा कंप्लीट कर दिया, दीदी खेलती है गेम।